नमस्कार, मेरा नाम है मित्र गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बैटरी चार्जिंग कंपैरिजन कुछ लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के बीच में, जिनमें आप देख सकते हैं Redmi Note 8 Pro, Realme की तरफ से है Realme 5 Pro, Redmi Note 8 भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है और Samsung की तरफ से है Samsung Galaxy A50s। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन सभी फोन्स की बैटरी की, तो Redmi Note 8 Pro में दिया गया है 4500mAh का बैटरी, Realme 5 Pro में दिया गया है 4035mAh का बैटरी, Redmi Note 8 और Samsung Galaxy A50s आते हैं 4000mAh की बैटरी के साथ में। और दोस्तों, इन सभी फोन्स को चार्ज करने के लिए हम यूज करने वाले हैं इन सभी के ओरिजिनल चार्जर, जो कि आपको इनबॉक्स ही देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 8 Pro की, तो ये सपोर्ट करता है क्विक चार्ज 3.0, मींस 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है और इनबॉक्स भी आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है। इसके बाद है Realme 5 Pro, जो कि सपोर्ट करता है वो फ्लैश चार्ज 3.0 और ये आपको मिलता है 20 वॉट की आउटडोर रेटिंग के साथ में, और दोस्तों यही चार्जर आपको इनबॉक्स भी देखने को मिलता है। इसके बाद है Redmi Note 8 और ये भी सपोर्ट करता है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को और इनबॉक्स भी आपको यही चार्जर देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों Samsung के Galaxy A50s की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है Samsung का फास्ट चार्जिंग, जो कि आता है 15 वॉट के आउटडोर रेटिंग के साथ में। तो दोस्तों, ये सारे ही फोन अभी फुली डिस्चार्ज हैं और अब मैं इन फोन्स को कनेक्ट कर लेता हूँ इनके चार्जर से। स्टार्ट करते हैं स्टॉपवॉच को और देखते हैं कि कौन सा फोन 0 to 100% चार्ज होने में कितना टाइम लगाता है। दोस्तों, फोन्स को चार्ज करते हुए 15 मिनट का टाइम हो चुका है, जहां पर हमको देखने मिलता है कि 13% पे है Redmi Note 8 Pro, 24% पे है Realme 5 Pro, 20% पे है Redmi Note 8 और 16% पे है Samsung का Galaxy A50s। चलिए अब हम देखेंगे कि आधे घंटे के बाद ये फोन कहां तक जाते हैं। और दोस्तों, आधे घंटे की चार्जिंग के बाद Redmi Note 8 Pro हमको देखने मिलता है 31% पे, 50% पे है Realme 5 Pro, 33% पे है Redmi Note 8 और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे Samsung A50s की, तो यह है 31% पे। और दोस्तों, फोन्स को चार्ज करते हुए एक घंटा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमको देखने मिलता है कि 63% पे है Redmi Note 8 Pro, 89% पे है Realme 5 Pro, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे Redmi Note 8 की, तो यह है 64% पे और 58% पे है Samsung का Galaxy A50s। और दोस्तों, एक घंटे 20 मिनट के बाद हमको देखने वाला कि 86% पे है Redmi Note 8 Pro, 99% पे है Realme 5 Pro, अगर हम बात कर रहे हैं Redmi Note 8 की, तो ये 89% पे है और 78% पे है Samsung का Galaxy A50s। और दोस्तों, एक घंटे और 21 मिनट के बाद कम्प्लीटली चार्ज हो चुका है Realme 5 Pro। जी हाँ, एक घंटे और 21 मिनट में 0 to 100% बैटरी को चार्ज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने मिलता है वो फ्लैश चार्ज 3.0, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो यहाँ पर हमें ये रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, हमने एक घंटे और 37 मिनट के बाद चेक किया, तो 95% पर था Redmi Note 8 Pro, 93% पे है Samsung Galaxy A50s और 97% पे है Redmi Note 8।
दोस्तों 1 घंटे और 52 मिनट के बाद हमको दिखने वाला कि 99% पे हैं ये तीनों ही फोन्स। जी हाँ, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 और Samsung A50s, ये तीनों ही फोन्स 99% पे थे 1 घंटे और 52 मिनट में। और दोस्तों 1 घंटे और 55 मिनट के बाद कम्प्लीटली चार्ज हो चुके हैं Redmi Note 8 और Samsung का Galaxy A50s। दोनों ही फोन्स में हमें 4000mAh का बैटरी देखने को मिल रहा है और दोनों ही फोन्स का जो चार्जिंग टाइम है वो भी हमें सेम देखने को मिला है। और फाइनली Redmi Note 8 Pro भी चार्ज हो चुका है, जहां पे हमको टाइम देखने मिला है 1 घंटे और 58 मिनट का। दोस्तों यहां पर हमको देखने मिला कि 85 से लेकर 100 तक Redmi Note 8 Pro और Redmi Note 8 ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था, क्योंकि 1 घंटे और 20 मिनट में 87% चार्ज हो चुका था Redmi Note 8 Pro, लेकिन लास्ट के 13% चार्ज होने में Redmi Note 8 Pro को करीब 40 मिनट का टाइम लग गया। तो दोस्तों अब अगर हम कंपेयर करते हैं Redmi Note 8 Pro और Realme 5 Pro की चार्जिंग को, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है क्विक चार्ज और वूक चार्जिंग के बीच में, तो Redmi Note 8 Pro में जो बैटरी है वो तो 465 mAh ज़्यादा है, लेकिन उसे चार्ज करने के लिए जो टाइम लगा है वो लगा है करीब 38 मिनट का। तो इससे क्लियरली हम देख सकते हैं कि वूक फ्लैश चार्ज 3.0 ज़्यादा फास्ट है क्विक चार्ज 3.0 से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का विनर होता है Realme 5 Pro, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने मिलता है वूक फ्लैश चार्ज 3.0 जो कि आता है 20W की चार्जिंग के साथ में, जबकि अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं Redmi Note 8 Pro की तो ये आपको मिलता है 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ में। जी हां, यहां पे क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट है, जहां पे हमें मैक्सिमम आउटपुट 18W का देखने को मिलता है, जबकि वूक फ्लैश चार्ज में ये आउटपुट 20W का दिया गया है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।